अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे भाई सब, आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। और काफी दिन के बाद व्लॉग आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ गायब हो गया हूँ। भाई मसरूफियात चल रही थी, एक तो रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है, ये एक बड़ा मसला था, उसको जरा ध्यान से नमाज वगैरह पढ़नी थी। ईद वगैरह भी आ रही है तो वो सारे काम वगैरह भी हम कर रहे थे। हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग के लिए जो है ना लेकर आएंगे जबरदस्त व्लॉग। लेकिन ईद आने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक गुड न्यूज़ आप लोग के साथ शेयर कर ली जाए। वैसे तो थंबनेल देख के ही आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आपको टूर भी करा देते हैं अपने नए घर का। तो भाई आज हम नए घर में शिफ्ट होने के लिए आ गए हैं, लेकिन बच्चों को आने से पहले मैंने सोचा जल्दी जल्दी पहले आप लोग को दिखा देते हैं। सो लेट्स गो। फ्लोरिडा वालों, हम आ गए हैं आपके और दिल के करीब, क्योंकि ये हम आ गए हैं पेम्ब्रोक पाइंस। पेम्ब्रोक पाइंस का एक बहुत खूबसूरत एक सिटी है, बहुत से लोग जानते भी होंगे, और मैं अक्सर घूमता रहता हूँ, कभी हॉलीवुड में कभी पेम्ब्रोक पाइंस में। तो ये हमारे हाउस का जो है ना अपीयरेंस है। इधर आ जाएगा कारपोर्ट, और इधर के अंदर जाने से पहले मैंने सोचा कि पहले आपको बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड अच्छे से दिखा दें, देन फिर अंदर का दिखा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भाई यहाँ तक हमारी ये जो है ना बाउंड्री लाइन बनी भी है, बराबर में नेबर्स को तो अच्छे बच्चे लग रहे हैं, नहीं बाद में तो चल जाएगा, हम अच्छे अच्छे अखलाक दिखाएंगे तो उनसे भी अच्छी सेटिंग हो जाएगी। तो यहाँ से बैक साइड से जाने का रास्ता है और इधर से भी रास्ता है, और पहले आप चलते हैं घर की तरफ, अंदर की तरफ। ऐसे एक बात है, बच्चों के लिए जो है ना फैंस का भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ओपन एरिया है, रोड बहुत करीब है। तो चलते हैं फिर अंदर। बिस्मिल्लाह की बरकत, ले गया पेरेंट्स आ गई है भाई, ये आ गया हमारा लिविंग एरिया बनेगा। इस साइड पर जो है ना पहले LCD थी जिस बंदे का घर था, तो हम भी सोच रहे हैं कि इधर जो है ना LCD वगैरह रख लें, वहाँ से विंडो बाहर का व्यू बड़ा अच्छा नज़र आएगा। काफ़ी ह्यूज मतलब विंडो है, और ऑब्वियसली पेंट उसने किया हुआ है साफ सुथरा। दैन ये बैक वॉल आ जाती है जो कि पोर्ट की तरफ जा रही है। आइलैंड किचन है इधर का, रेफ्रिजरेटर वगैरह सब कुछ मिलता है, आपको पता है। वैसे तो अमेरिकन किचन ही ख़वातीन को बड़ा पसंद आता है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे जो है ना स्टोरेज भी हैं, पहले से बिल्ड, माइक्रोवेव, एवरीथिंग इज़ ऑन वर्किंग। बंदा अपना सामान वगैरह बहुत कीमती भूल चुका है, हम खैर इसको फेंक देंगे। और नीचे डिशवॉशर वगैरह आ गया है, और इधर ये जैसे बताया आइलैंड किचन के अंदर इस तरीके से होता है, तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। इधर जो है मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो है ना दो बार टेबल ला कर रख लूँ, बार चेयर सॉरी, तो ये है कि थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम जो है ना अपनी इस तरफ बनाएंगे डाइनिंग एरिया, तो देखेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ वो है ये टेबल जो कि खेलने वेलने के लिए काम आएगी, इसको हम बाहर ले जाएंगे, क्योंकि ये एरिया हमारा रूम में बड़े अच्छे से कवर अप हो सकता है। तो पहले आपको कॉमन रूम्स दिखाते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। स्नूकर भी बन जाती है, और ये जो है ना वो टेनिस जो होती है जो खेलते हैं वो भी बन जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा रूम है, इसको हम फ्लोरिडा रूम कंसीडर कर रहे हैं। इधर हम जो है ना एक लगवा के डोर्स वगैरह इस रूम को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, और अब चलते हैं मेन रूम्स की तरफ। यहाँ से अंदर जाएंगे, पूरे घर में वुडन फ्लोर्स हैं ज़बरदस्त, और ये राइट साइड पर कॉमन बाथरूम आ जाता है, और जो है ना इस तरीके से साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। बहुत ही वाइट हो रहा है भैया, बाथ टब लगा हुआ है। देन फिर राइट साइड पे जो है ना इधर एक क्लोजेट है काफ़ी ह्यूज साइज का। देन फिर ये हम जा रहे हैं मेन रूम की तरफ, और ये इस तरीके से इधर जो है ना क्लोजेट वगैरह होगा, ये भी जो है ना अच्छा ह्यूज साइज का अंदर आ जाएगा, मतलब क्लोजेट वगैरह है। देन फिर इधर ये रेस्ट रूम है, इसके अंदर भी जो है ना इस तरीके से, नहीं बात तक नहीं है इसके अंदर, ऐसे स्टैंड होके आप यूज़ कर सकते हैं, तो पाकिस्तानी स्टाइल हो जाएगा थोड़ा सा। एक बाथरूम है वैसे, एक बाथरूम है वैसे, तो ये चीज़ भी हो गई है। फिर चढ़ते हैं बच्चों के रूम की तरफ, जो कि नेक्स्ट जो है ना बच्चों का रूम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे, सोच रहा हूँ मैं बच्चियों का बना दूँ ये, और इधर भी क्लोजेट है, इसी का क्लोजेट दूसरे वाले रूम के साथ भी कनेक्ट होगा, तो ये हमारा सेकंड रूम चल रहा है। यहाँ से बच्चे बाहर भी देख सकते हैं, बैकयार्ड भी नज़र आएगा, और इधर से फ्रंट का नज़र आएगा, उसमें विंडो वो की नहीं है। देन फिर ये आ जाएगा हमारा थर्ड रूम, और ये दिया हुआ AC के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सेंट्रल AC के लिए। इसमें भी वुडन फ्लोर हुए हुए हैं, और इस साइड पर जो है वो इसका क्लोजेट आ जाएगा जो कि दूसरे वाले सो रहा, तो ये हाफ़ है, उधर से हाफ है, तो ये भी स्टैंडर्ड साइज एक रूम है। देन फिर अब चलते हैं बाहर की तरफ दोबारा से, और हम चलते हैं आपको लेके बैकयार्ड की तरफ। बैकयार्ड से पहले बता दूं कि यहाँ से भी आप कारपोर्ट के लिए जो है ना बाहर जा सकते हैं, और इसके अंदर जो है ना लॉन्ड्री है, तो ये सारे पैनल्स वगैरह आ गए, लॉन्ड्री वगैरह इस साइड पर आ। यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो आपको ये इस एरिया से आप आ सकते हैं, कार्स वगैरह जैसे आपने खड़ी की हुई हैं। तो वैसे आजकल जो है ना कारपोर्ट पर भी काफ़ी रूम वगैरह बन रहे हैं,
और इसके अंदर इधर लगा हुआ है इनका गीजर, हम इसको हटवा देंगे, छोटा वाला लगवा लेंगे, इतना बड़ा ये है। क्योंकि इसके अंदर एक ऑप्शन बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे जो है ना गैस भी है, सिटी की गैस भी है, और जो है ना जो टैंक वगैरह फिल होता है ना वो भी है। तो खैर दोनों ही चीप होती हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सिटी की गैस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, ये जो है वो $120-$125 में प्रोपेन गैस जो है ना वो हो जाता है। इसलिए जो है वो चूल्हे शूल्हे भी जो है ना वो गैस वाले होंगे, पाकिस्तानी खाने की तरह बनाना पड़ेगा, चूल्हे की गैस यूज़ करो भाई और मज़े मज़े की रोटियाँ बनाओ। क्योंकि गैस के चूल्हे की जो रोटियाँ होती हैं ना उसकी बात ही कुछ और है, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो वो खाने का जो है ना मज़ा आएगा अब, क्योंकि घर के अंदर होगी गैस। इधर भी जो है ना एसी के उन्होंने वेंट दिए हुए हैं दो दो, तो ये नहीं है कि ये बड़ा हॉट हॉट सोफा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी विंडोज़ हैं, एक इधर दो इधर विंडोज़ हैं, दो इधर विंडोज़ हैं, लेकिन ये कि दो दो एसी की वेंट है तो इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, फिर भी लगेगा तो देख लेंगे, कुछ कर लेंगे भाई। यहाँ से हम निकलेंगे बैकयार्ड की तरफ, तो उस साइड पर जो है ना वो लगा हुआ स्प्रिंकलर सिस्टम, यहाँ से आप बैठ गए, बारिश वगैरह हो रही है तो इधर चेयर्स वेयर्स डाल के आप बैठ सकते हैं। देन पूरा ये एरिया है एंटी ऑफ रूम है भाई, बहुत बड़ी आराम से पार्टी शार्टी आप करने जाए कर सकते हैं। पूल नहीं है इस घर के अंदर, बस एक बड़ा मसला है, ये पीछे से स्टोरेज आ गया छोटा सा, लेकिन पूल नहीं है तो क्या हुआ। वैसे जो है वो पोर्ट आ गया है ना, कारपोर्ट आ गई है, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप कारपोर्ट के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ से पीछे से जाने का रास्ता है वो जो मैंने दिखाया था कि आप कारपोर्ट के एरिया से आ रहे हैं या किचन से बाहर निकल के जो आ रहे हैं ना वो, और इस तरफ से। तो काफ़ी बिग लॉट है ये, आई थिंक 7500 की लॉट है, स्टोरेज आ जाता है, लेकिन हमें मुझे लगता है कि स्टोरेज और लेना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के खिलौने बहुत ज़्यादा हैं, पुराने शुरानी चीज़ें वगैरह भी काफ़ी सारी हैं, तो वो है। और इधर जो है आप चाहें तो पूल भी बनवा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हाउस इज नाइस एंड क्लीन। एसी भी जो है बड़ा ज़बरदस्त 2022 का लगा हुआ है, तो कूलिंग शूलिंग भी बड़ी ज़बरदस्ती हो जाएगी भाई। हमारे एरिया में कुछ जो है ना आ रहे हैं मैंगो के, इस तरफ हम इजाज़त लेके उनसे तोड़ ओड़ के खा लेंगे। इस घर में जो है ना पाम ट्रीज तो काफ़ी सारे हैं, आगे भी है फ्रंट पे भी है, लेकिन कोई मैंगो ट्री या कोई इस तरह से फ्रूट वाला ट्री नहीं है, हम ही लगा लेंगे आप खुद से ला के। तो भाई अब यहाँ पे व्लॉग का करेंगे एंड, छोटा सा व्लॉग है ये, सिर्फ आप लोग को दिखाना था, एक थोड़ा सा बूस्ट देना था कि भाई यहाँ पे मसरूफियत चल रही है, तो लेट्स सी कि अभी शिफ्टिंग वगैरह करेंगे तो टाइम मिलेगा तो एक और कोई व्लॉग वगैरह आ जाएगा, नहीं तो फिर हम आपसे मिलेंगे थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करने के बाद। क्योंकि अभी सबसे बड़ा मसला इसके अंदर शिफ्ट होना है और इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें लगानी है ताकि घर का लुक जो है ना थोड़ा सा अच्छा हो जाए। वैसे तो बहुत अच्छा घर है, पेंट शर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है लेडीज़ उनको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कोई ना कोई नई चीज़ चाहिए होगी, कुछ नहीं तो बाथरूम की एसेसरीज चाहिए होंगी, किचन में कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो वो सब लेके सेटिंग वेटिंग करेंगे फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब जो ब्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह ताला वो इस घर में ही आएंगे लाइव में। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ए मणा माल गलीमत में काफी सामान हमको मिला है यार, ये देखो क्या क्या सामान छोड़ के गया है इधर, ये भी छोड़ के गया है, ये सारा शराब मराब सब डाल के गया इधर। ये भाई हमारा बंदा जो है ना निकल रहा है, इसमें हाथ नहीं लगाने का, रोज़ है हमारा। ये देखो पोतला चेक करो,